आज करप्ट लोगों को पार्टी के मामलात नियाजी साहब उनके साथ बैठते हुए नजर आते हैं, पार्टी के फैसले करते हैं। नजरियाती वर्कर्स आपको कहीं पर भी नजर नहीं आते। रास्ते से नियाजी साहब हट गए हैं, जो पटड़ी से उतर गए हैं, एक किरदार से आरी शख्स, एक बुजुर्ग शख्स है। करप्ट पॉलिटिक्स ये आदमी आज कर रहा है। आयशा गुलालई का कहना है कि धरनों के साथ साथ NH-120 के इंतखाब में भी KPK का पैसा खर्च किया गया। आयशा गुलालई ने कहा कि झूठे मुनाफिक और किरदार से आरी शख्स की वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। जल्द PTI के रहनुमाओं का इजलास होगा और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। NH-120 में KPK के अवाम का पैसा पानी की तरह लगाया गया, उसी तरह लगाया गया जिस तरह नियाजी साहब के धरनों में KPK के सरकारी वसाइल और सरकारी गाड़ियां और KPK के अवाम का पैसा इस्तेमाल किया गया।